This video contains explanation of chapter number 2, acids, base and salts from class 10th NCERT science book and chemistry portion. Let's start about the introduction of the chapter. You have learnt in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो फूड आप खा रहे हैं उन फूड का टेस्ट अगर किसी का खट्टा है तो वो एसिड की वजह से है और किसी फूड का टेस्ट अगर कड़वा है तो वो बेस की वजह से होता है. ठीक है, यानी बेसिस की दो कंपाउंड्स हैं हमारे, एसिड सोर बेस, उनकी वजह से होता है. ठीक है, सोर बिकॉज ऑफ एसिड्स एंड बिटर बिकॉज ऑफ बेसिस. सो इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी After overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar or baking soda solution? ठीक है कि अगर फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में ये, तो आप क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे उन्हें? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा, इनमें से. तो अब इनका पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या होता है. विनेगर खुद एसिटिक एसिड है, लेमन के अंदर भी एसिड होता है, जबकि जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है वो एक बेस की तरह से एक्ट करता है. तो अब कैसे पता करेंगे कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने चूज की है जब आप ये इलाज चूज कर रहे हैं. श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट. श्योरली अगर आपको नॉलेज है कि जो एक एसिड है वो बेस से रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर एसिडिटी हो रही है तो हम ऐसा सब्सटेंस देंगे जो खुद बेसिक होता है नेचर में, तो वो पूरी की पूरी एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और उसके इफेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा. देन रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम. तो रिकॉल कीजिए कि कैसे आपने खट्टे और जो कड़वे सब्सटेंस हैं उन्हें टेस्ट मतलब पता किया था बिना टेस्ट किए. सो यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, कि अब आपको पता है कि जो एसिड्स हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में. एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और जो ब्लू कलर का लिटमस अगर हम उसमें डाल देते हैं किसके अंदर, एसिड्स में, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, तो वो जो बेस होते हैं अगर आप उसमें रेड लिटमस को डाल देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में. एक लिटमस पेपर आता है, लिटमस सॉल्यूशन बोल देते हैं इसे. तो लेट्स सी व्हाट इज लिटमस हियर. लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. तो लिटमस क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस का पता करने के लिए हेल्प करता है हमें. अगर वो क्या हो जाता है कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो एसिड है, और अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेस है. तो इसके अलावा जो टर्मरिक यानी हल्दी होती है घर में, वो भी ऐसा इंडिकेटर होता है हमारे पास, एक नेचुरल इंडिकेटर, यानी ये सब नेचुरल सोर्स से मिले हमें. सो हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट. ये क्या आपने नोटिस किया है कि जो स्टेन ऑफ करी है, यानी जो करी खाते हैं हम, अगर वो किसी वजह से कपड़े पे गिर जाती है वाइट क्लोथ के ऊपर, तो जब हम उस पर सोप मल रहे होते हैं यानी साबुन लगा रहे होते हैं, तो उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जो सोप है वो क्या है, बेसिक है नेचर में. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? इट टर्न्स येलो अगेन वेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, और फिर से वो येलो में बदल जाता है जब वो क्या कर रहा है, प्लेंटी ऑफ वाटर से धो दिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर से हम उसे वॉश कर देते हैं फिर से. तो यहाँ पे देखिए, जो हल्दी है अगर वो आप क्या लगा रहे हैं उसके ऊपर बेस ऐड कर रहे हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगी, और जैसे उस पर से बेस हट जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर फिर से येलो हो जाता है. तो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थेलिन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस, कि आप जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज है और फिनोफ्थेलिन, उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए. सिंपली दो तरीके के अभी तक हमने इंडिकेटर पढ़े हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड
सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर किसी नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, यानी हल्दी भी आपको प्लांट से मिल रहा है, लिटमस भी एक प्लांट से मिलता है, वो पढ़ेंगे जो मोर यू नो के जो आगे बॉक्स आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ. तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो एसिड्स और बेस की रिएक्शंस पढ़ेंगे और कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और हम जो एसिड्स और बेस होते हैं उन्हें डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो लेट्स सी, डू यू नो कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई. लिटमस सॉल्यूशन क्या है? पर्पल कलर की डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिविजन थेलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर. तो एक क्लास 9th में पढ़ चुके हैं आप कि लीचेन क्या होता है, जहाँ पे एल्गी और फंजाई जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और एक डिवीजन होता है प्लांट का जिसे थेलोफाइटा कहते हैं, उससे उस लीचन से हम लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो नेचुरली मिल रही है हमें एंड इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर. तो व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नोर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल, कि जब वो ना तो एसिड में होता ना बेस में होता तो उसका कलर कैसा होगा? पर्पल कलर का होता है. सो देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सोल्यूशन. ठीक है, तो ये भी क्या कर सकते हैं, कुछ जो नेचुरल इंडिकेटर है यानी कैबेज, रेड कैबेज लीव्स हैं, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल्स हैं कुछ फ्लावर्स की, और जैसे हाइड्रेंजिया, पेटोनिया और जेरानिया है, वो सब भी क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली इंडिकेटर्स. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कह देते हैं या सिंपली क्या बोल देते हैं हम इनको, इंडिकेटर्स कह देते हैं. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन हियर कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर, एक में डिस्टिल वाटर है, एंड अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड ए बेसिक सोल्यूशन रेस्पेक्टिवली, कि एक में एसिडिक सोल्यूशन है और एक में बेसिक सोल्यूशन है. इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. अब देखिए, आपको रेड लिटमस पेपर दे दिया गया है तो आप कैसे पता करेंगे जो कंटेंट है टेस्ट ट्यूब में वो एसिड है, बेस है या क्या है? तो अभी आपने प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी थी इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू अप्लाई योर नॉलेज इन दैट. लेकिन क्या होगा कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर है, तो आप सबसे पहले उसे किस में डाल दें, बेस में ऐड कर दें, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में. अब लिटमस पेपर ब्लू हो चुका है तो उसे एसिडिक वाले सॉल्यूशन में ऐड कर दीजिए आप, तो एसिड वाले सॉल्यूशन में जैसे ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ब्लू लिटमस पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में. और फिर जो वाटर होता है अगर उसमें आप ऐड करेंगे उसे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर्पल, क्योंकि वाटर, डिस्टिल वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है.